अब मैं इस तरह घुट घुट कर और जी नहीं सकती हूँ। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है। मेरे बाद थारम बेटे का ठीक से ख्याल रखना। तुम्हारी अबागन जानकी, आपकी वजह से मेरी मम्मी की जान गई। कहीं आपकी वजह से? आपकी वजह से मेरी माँ की जान गई। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। ये आपने बहुत अच्छा किया सर, जो सेठ जी के देहांत के बाद आप उनका कारोबार संभालने यहाँ आ गए। सेठ जी भी यही चाहते थे, लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता था। खैर, अभी सब बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं। ये सब बातें नहीं करे तो अच्छा है। पापा भी अब दुनिया में नहीं रहे और अब ना चाहते हुए भी मुझे उनका सारा कारोबार संभालना पड़ रहा है। दिखाइए फाइल, दिखाइए। ये सब क्या है? कई सालों से हमारी कंपनी में फायदा ही नहीं हुआ। इस साल 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 3 बार हड़ताल हुई है। ओह माय गॉड, हमारी दो दो कंपनियां बंद हो गई और मैं सोच रहा था हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। ये सर, हमारे बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है। आप तो विदेश में रहे, इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कई सालों से हमारा कारोबार घाटे में चल रहा है सर। लेकिन वाह, क्या वजह है इसकी? वजह कोई खास तो नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल कह लीजिए। 25 साल जब आपकी पूजनीय माता जी का सहवास हुआ, तब से क्या, तब से कारोबार जैसा खत्म सा हो गया। पहले कुछ एक्सीडेंट्स हुए, फिर हड़ताल, और अब तो कुछ रह ही नहीं गया। असल में क्या? असल में मजदूरों का ख्याल है कि जानकी देवी जी की आत्मा खुश नहीं है और इसीलिए हमारे कारोबार में उनका श्राप लगा हुआ है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करना होगा, उनकी आत्मा से माफी मांगनी होगी, उनसे आशीर्वाद लेना होगा, तब कहीं हमारे कारोबार से उनका श्राप खत्म होगा। मैंने इस विषय में एक पंडित से भी बात की है। क्या कहा उसने? पंडित जी ने बताया है कि अगर हवन लगातार 5 दिनों तक किया जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और हवन का शुभ मुहूर्त बताया है सुबह ठीक 10 बजे से। ठीक है, आप हवन की तैयारी कीजिए। लेकिन लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई है या नहीं? हवन के वक्त हम भोजन एक केले के पत्ते पर निकालकर बाहर रखते हैं। अगर वो भोजन खा लिया गया तो हम समझेंगे कि आत्मा आई थी, उसने हमें सुना, वो प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया और चली गई। लेकिन वो भोजन खाएगा कौन? आपका मतलब है मेरी मम्मी की आत्मा के भोजन? नहीं नहीं नहीं, कौआ खाना खाएगा। ऐसा मानना है हम लोगों का कि अगर हवन में कौआ आकर खाना खा ले तो वो हवन सफल होता है। कौआ? बिजनेस समाचार। ईश्वरदास स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। ईश्वरदास बिजनेस एम्पायर के वारिस श्रीधरम ईश्वरदास ने आज पहले दिन की पूजा संपन्न की। ये पूजा वो अपनी माँ स्वर्गीय जानकी ईश्वरदास का आशीर्वाद लेने के लिए कर रहे हैं। ये विशेष पूजा 4 दिनों तक और चलेगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बड़ी अजीब बात है नीना, आज के पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग भी इन पुरानी बातों पर विश्वास रखते हैं। जानकी, ये नाम मैंने कहीं सुना है। ये नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है।
तो कोई भी नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा हुआ जब तुम आ गए। जरा इन फाइल्स को देख लो और इन्वेंटरी में चेक करो कि किस डीलर को कौन सी और कितनी दवाइयाँ चाहिए। जी सर। वैसे मैं अपना एक अंदाजा लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पिछले महीने के रिकॉर्ड से तुम उसे मिला दो। बात है, पिछली बार जब मैंने सुरेश को ये सब करने के लिए कहा था, उसने कितनी गलतियाँ की। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। छींटे मेरे मुंह पर मारे। नीना, तुम आज छुट्टी ले लो, घर जाकर आराम करो, सारा काम भूल जाओ। कल भी हमारा भोजन स्वीकार नहीं किया गया, क्या आपको लगता है कि आज हमारा भोजन स्वीकार हो जाएगा? हमें उनकी आत्मा और ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ बुलाना चाहिए, फिर उनकी आत्मा को यहाँ आने और भोजन स्वीकारने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे ख्याल से अब हमें चल के बैठ जाना चाहिए। जी हाँ, 10 बज गए, प्रार्थना का शुभ समय हो गया है। आइए आप लोग शुरू कीजिए।
नीना, समझ में नहीं आता इसे क्या हो गया और ये कहां गई है। बात ये कि इन्हें दोनों बार दौरा सुबह के 10 बजे क्यों पड़ा और दूसरी बात वो कौवा, इस कौवे का चक्कर मेरी समझ में नहीं है और वो कौवा इन्हें क्यों नजर आता है। Well, it's a complicated case. शूटिंग करते देखता हूं कितनी एक्टिंग आती है तुझे। ये बात है। यस एक्शन बोले यार, एक्शन एक्शन ये ओके। मैं आपको बताता हूं कि मैं ठीक है ना, अभी सीधा खड़े रह के पूछ कर। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हूं। कैसा खाने लगे? अरे छोड़ ना यार, चल दीदी को शूट करते हैं, वैसे भी दो दिन से उनका मूड खराब है। चल। नहीं यार सॉरी, होगी नाराज हो जाएगी। नहीं नाराज होगी, नॉक करके देखते हैं। आना चल कुछ यार, आ जा। तू नॉक कर ना। नॉक कर। अच्छा चल। राज चल दिया। ठीक
आराम से संभल के प्लीज। हाँ अंदर कर लो। मैं इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता हूँ ताकि दूसरे टेस्ट भी हो सके, जैसे एक स्कैन एमआरआई वगैरह। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए, 3 दिनों में डॉक्टर ये तीसरी बार हुआ है डॉक्टर, वो भी एक ही समय पर, सुबह के ठीक 10 बजे डॉक्टर प्लीज। डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, तुम शाम को हॉस्पिटल आ जाना। राइट डॉक्टर। संबंध नजर नहीं आ रहा, मतलब कि ये पुनर्जन्म का मामला है। हाँ। ओह, लेकिन ये रोशनी, वो कौवा, इन दोनों का क्या संबंध है अंकल? हर इंसान के शरीर में आत्मा होती है, लगता है जो पहली बार उसको किसी ने देखा है। आपका मतलब है कि ये रोशनी एक आत्मा है जो पहले जानकी के शरीर में थी और वही आत्मा नीना के शरीर में है। हाँ। मगर एक बुरी खबर भी है। क्या? इस आत्मा को बार बार बुलाया जा रहा है और इसीलिए वो अपने शरीर को छोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी तो वो लोग सफल नहीं हुए, आने वाले दिनों में अगर वो सफल हो गए तो नीना की आत्मा हमेशा के लिए अपना शरीर छोड़कर चली जाएगी। फिर क्या होगा? नीना की मौत।